हेलो क्लास, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का फिफ्थ पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक्स। फर्स्ट इज़ अ स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स एंड स्पिन कपलिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। एज वी नो कि जो एनएमआर स्पेक्ट्रम्स हमें मिलती हैं, उसमें जो सिग्नल्स मिलते हैं हमें, वो सिग्नल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ईच सिग्नल्स इन एन एनएमआर स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट वन काइंड और वन सेट ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब कि अगर हमें सिग्नल्स में एनएमआर स्पेक्ट्रम में इस तरह की सिग्नल्स मिलती हैं, तो ये सिग्नल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि एक सेट या एक केमिकली इक्विवेलेंट जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं, जिनका नेचर, जिनके आसपास का एनवायरमेंट सेम होता है, उनकी वजह से हमें एक सिंगल पीक मिलती है। तो ये जो सिंगल पीक है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वन काइंड और वन सेट ऑफ प्रोटॉन्स इन अ मॉलिक्यूल। यहाँ तक तो हमें पता है, बट ये पीक्स जो हमें मिलती हैं, ये कब मिलेंगी, जब हम इन पीक्स की स्टडी लो रिजोल्यूशन में करते हैं। लेकिन जब इन्हीं पीक्स की स्टडी हम हाई रिजोल्यूशन में करें, तो हमें ये पीक्स सिंगलेट्स के फॉर्म में ना नज़र आ करके ग्रुप ऑफ पीक्स के फॉर्म में नज़र आती हैं, यानी मल्टीप्लेट्स के फॉर्म में नज़र आती हैं, जिन्हें हम पिकलेट्स भी कह सकते हैं। यानी ये जो सिंगलेट, ये मे बी डुप्लेट हो सकता है, आपका डुप्लेट हो सकता है, ट्रिपलेट हो सकता है, क्वाड्रेट हो सकता है। तो मतलब इसके नंबर ऑफ पीक्स हो सकते हैं। तो जब लो रिजोल्यूशन में आप स्टडी करते हो, तो आपको एक सिंगल पीक नज़र आता है जो सेट ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसी चीज़ को जब हम हाई रिजोल्यूशन में देखेंगे, हाई रिजोल्यूशन में इसकी स्टडी करेंगे, तो हमें ग्रुप ऑफ पीक्स नज़र आएंगे। और ये ग्रुप ऑफ पीक्स हमें क्या हेल्प करते हैं कि ये जो सेट ऑफ प्रोटॉन की वजह से पीक आई है, उस सेट ऑफ प्रोटॉन में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो सकते हैं, इससे हम ये इन पीक्स की हेल्प से हम बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, CH3CH2Br, दैट इज़ द इथाइल ब्रोमाइड का अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, तो जैसा हमने पहले पढ़ा है कि इसमें दो सेट ऑफ प्रोटॉन्स हैं, एक है हमारा CH2, दूसरा है CH3। ये दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है, यानी यहाँ पे जो CH2 है वो डायरेक्टली एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है, तो ये क्या होगा, आपका डी शील्डेड प्रोटॉन होगा, जबकि आपका जो CH3 है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड नहीं है, तो ये आपका शील्डेड प्रोटॉन है। यानी इन दोनों ही प्रोटॉन्स का जो एनवायरमेंट है या जो केमिकल नेचर है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से हमारे पास दो सेट ऑफ प्रोटॉन्स बनते हैं, जिसे मैंने ए और बी सेट से रिप्रेजेंट किया। तो जब हमने पहले पढ़ा था, तो इसकी वजह से हमें दो पीक्स मिलनी चाहिए थी, एक CH2 की वजह से और CH3 की वजह से, ठीक है। लेकिन जब इसी इथाइल ब्रोमाइड की स्टडी जब हम हाई रिजोल्यूशन में करते हैं, तो ए टाइप प्रोटॉन यानी CH3 के लिए, मिथाइल के लिए जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 हैं, इसके लिए जो हमें पीक्स मिलती हैं वो ट्रिपलेट्स मिलते हैं, यानी 3 पीक्स मिलती हैं, ठीक है। और बी टाइप प्रोटॉन यानी मिथाइलीन ग्रुप के लिए, CH2 के लिए जो हमें पीक्स मिलेंगी, वो हमें क्वाड्रेट नज़र आते हैं, यानी 4 पीक्स नज़र आती हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे आपके जो सिंगल पीक्स थी वो ट्रिपलेट या क्वाड्रेट में स्प्लिट कर गई, ये इनके पीछे की क्या थ्योरी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल है हमारे पास, 112 ट्राइक्लोरोइथेन, जिसमें अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, तो ये इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बनता है। तो इसमें हमारे पास अगेन दो सेट ऑफ प्रोटॉन है, एक है हमारा ए सेट और दूसरा है बी सेट। क्यों, क्योंकि ये जो CH2 ग्रुप है ये Cl के साथ अटैच्ड है, सिंगल Cl, लेकिन यहाँ पे ये जो आपका प्रोटॉन है ये दो Cl's के साथ अटैच्ड है। दैट मीन्स कि इनका केमिकल नेचर या केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है, तो हमारे पास टू सेट्स प्रोटॉन्स बन गए। तो इन टू सेट्स ऑफ प्रोटॉन का जब हम हाई रिजोल्यूशन में स्टडी करते हैं, तो ए टाइप यानी CH2 के लिए जो हमें पीक्स मिलती हैं वो डुप्लेट मिलती हैं, ठीक है, यानी दो पीक्स मिलेंगी, इस तरह से हमें दो पीक्स मिलती हैं। बट बी टाइप ऑफ प्रोटॉन यानी इस CH ग्रुप के लिए, CH प्रोटॉन के लिए जो हमें पीक्स मिलेंगी वो ट्रिपलेट्स मिलती हैं, 3 पीक्स मिलती हैं। तो इसका क्या रीज़न है कि ये हमें डुप्लेट में स्प्लिट हो गया और ये ट्रिपलेट में स्प्लिट हो गया, तो इसे डिस्कस करने के लिए फिर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज़ स्पिन कपलिंग। स्पिन कपलिंग क्या है, इसे हम N+1 रूल से भी समझते हैं। N+1 रूल जो है ये हमें हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि जो आपके प्रोटॉन्स हैं उसमें स्प्लिटिंग कैसे होगी। तो जनरली अगर हम शॉर्टकट से या हमें बहुत जल्दी पता करना है, मॉलिक्यूल को देख के ही पता करना है कि भाई कितनी स्प्लिटिंग होगी, तो हम N+1 रूल से बहुत ही ईजिली बता सकते हैं कि स्प्लिटिंग कैसे होगी। यहाँ पे ये जो N है, ये N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन,
नेबरिंग प्रोटॉन, यानी नेबर जो भी हम जिस भी प्रोटॉन की स्टडी कर रहे हैं उसके नेबरिंग कार्बन पे कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अटैच्ड हैं, उनमें अगर हम प्लस वन कर दें तो उतने नंबर में स्प्लिटिंग होगी। जैसे अगर हम इसमें इस इथाइल ब्रोमाइड पे एन प्लस वन रूल लगाएं, तो एन प्लस वन रूल के अकॉर्डिंग जैसे अगर हम बी प्रोटॉन की बात करते हैं, सी एच टू, यहाँ पे दो प्रोटॉन्स हैं लेकिन इसके नेबरिंग कार्बन पे यानी एडजेसेंट कार्बन पे कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, थ्री। तो अगर हम एन प्लस वन के अकॉर्डिंग देखें तो नेबरिंग प्रोटॉन्स कितने हैं, थ्री, प्लस वन कर दिया तो यहाँ पे फोर। इसका मतलब क्या है कि जो आपके बी टाइप ऑफ प्रोटॉन है सी एच टू, ये फोर सिग्नल्स में या फोर पीक्स में स्प्लिट कर जाएंगे। इसी तरह से अगर हम इसके रिस्पेक्ट में सी एच थ्री को देखें यानी ए टाइप ऑफ प्रोटॉन को देखें, तो ए टाइप ऑफ प्रोटॉन के नेबर में कितने प्रोटॉन हैं, दो प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, तो टू प्लस वन अगर हम करें तो दैट मीन्स कि ये ट्रिपलेट में थ्री पीक्स में स्प्लिट कर रहा है, यानी ट्रिपलेट में स्प्लिट करता है। तो n प्लस वन रूल के हेल्प से हम ईजिली बता सकते हैं कि प्रोटॉन्स जो हैं वो कितने नंबर ऑफ पीक्स में स्प्लिट करेंगे। बट ये तो हो गया कि हम अगर हमसे डायरेक्ट आंसर पूछा जाए तो हम n प्लस वन रूल से डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं। बट वॉट इज द थ्योरी बिहाइंड दिस, मतलब इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है, क्यों ये फोर सिग्नल्स में ही स्प्लिट हुआ, क्यों ये थ्री पीक्स या थ्री सिग्नल्स में ही स्प्लिट हुआ, क्या रीज़न है, तो ये हम समझ सकते हैं इस तरह से कि अगर हम थोड़ा सा रिमाइंड करें कि हमने थ्योरी क्या पढ़ी थी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। हमने उसमें ये पढ़ा था कि जो प्रोटॉन होते हैं वो भी अपने एक्सिस पे स्पिन करते हैं, जिनका स्पिन जो आपका न्यूक्लियर स्पिन नंबर होता है, क्वांटम नंबर, वो प्लस हाफ और माइनस हाफ होता है, ठीक है, यानी वो भी एक तरह से स्पिन करते हैं, और स्पिन करने की वजह से जो प्रोटॉन है एक वो टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं और वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। तो उसी प्रिंसिपल को लेते हुए हम यहाँ पे देखते हैं कि मैं इस इथाइल ब्रोमाइड को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखती हूँ। ये हमारा इथाइल ब्रोमाइड है जिसमें मैंने प्रोटॉन्स को ओपन करके लिख दिया है और उसको मैंने एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जिसको एच नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें रख दिया। अब अगर मैं ए टाइप ऑफ प्रोटॉन की स्टडी करती हूँ, ए टाइप ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या है, सी एच थ्री के लिए, यानी सी एच थ्री प्रोटॉन के लिए हमें देखना है कि इन सी एच थ्री प्रोटॉन में कितनी स्प्लिटिंग होगी। तो वो हम कैसे देखेंगे, एक्चुअली में क्या होता है कि द स्पिन ऑफ टू प्रोटॉन्स दैट इज सी एच टू कैन कपल विद द एडजेसेंट मिथाइल ग्रुप इन थ्री डिफरेंट वेज रिलेटेड टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा, जैसे अगर हम ए टाइप ऑफ प्रोटॉन की स्टडी कर रहे हैं तो ए टाइप ऑफ प्रोटॉन के नेबर में कौन सा प्रोटॉन प्रेजेंट है, मिथाइलिन, जिसके पास दो हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, दो प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो ये जो टू प्रोटॉन्स हैं ये क्या करते हैं, अपने नेबरिंग प्रोटॉन्स के साथ कपलिंग करते हैं, कपलिंग करने की वजह से इनमें स्प्लिटिंग हो जाती है। कैसे स्प्लिटिंग होती है, देखिए यहाँ पे जैसे ये है हमारा एक हाइड्रोजन ये है, दूसरा हाइड्रोजन ये है, जिसे हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं कि एक प्रोटॉन ये है दूसरा प्रोटॉन ये है, और हम इस प्रोटॉन की स्टडी कर रहे हैं, यानी अगर हमें देखना है कि ये ए सेट ऑफ प्रोटॉन में कितनी स्प्लिटिंग होगी, तो ये तीन तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे जब आप इस इथाइल ब्रोमाइड को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो हमारे पास थ्री पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि जो हाइड्रोजन का स्पिन है वो अगर वो अपना स्पिन अलोंग टू द मैग्नेटिक फील्ड करने यानी जस्ट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो जाए तो क्या होगा कि हमने एच नॉट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और इनकी जो अलाइनमेंट है, इनकी जो स्पिन है वो भी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो गई है। दैट मीन्स कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड अब प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐड हो गई है, यानी अब जो आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ये जो ए सेट ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को फील करेंगे। क्यों, क्योंकि एक तो आपने बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, दूसरा इन प्रोटॉन्स का भी मैग्नेटिक फील्ड उसको सपोर्ट कर रहा है, तो सपोर्ट करने की वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया उससे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को ये फील कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रोटॉन्स हैं ये ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को फील करेंगे, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को फील करेंगे, दैट मीन्स कि इनको रेजोनेंस में लाने के लिए आपको ज़्यादा रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी लगानी पड़ेगी, दैट मीन्स कि ये डी शील्डेड प्रोटॉन्स की तरह बिहेव करेंगे, डी शील्डेड प्रोटॉन की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो अगर हम
देखें कि इन दोनों ही प्रोटॉन्स की जो अलाइनमेंट है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट पैरेलल है, तो हमारा एक कंडीशन क्या हो गया कि इनमें दोनों प्रोटॉन्स की जो अलाइनमेंट है वो जस्ट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे मैग्नेटिक पोल को इनफोर्स कर रहे हैं, यानी कि इनक्रीज कर रहे हैं, और इनफोर्स करने की वजह से क्या होगा कि रीइंफोर्स कर रहे हैं। दैट मींस कि या तो हम दो तरह से समझ सकते हैं कि इन प्रोटॉन्स को रेजोनेंस में लाने के लिए हमें कम मैग्नेटिक फील्ड लगाना होगा, क्योंकि कुछ मैग्नेटिक फील्ड हमें इन प्रोटॉन्स की वजह से भी मिल रहा है, या फिर अगर हम रेडियो वेव्स के टर्म्स में देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर गया, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा फील कर रहे हैं ये प्रोटॉन्स, तो इनको रेजोनेंस में लाने के लिए हमें जो रेडियो वेव्स डालनी होंगी वो हाई फ्रिक्वेंसी की डालनी पड़ेंगी, यानी इनकी जो पीक्स आएंगी वो एक्सपेक्टेड पीक्स की कंपैरेटिवली लो वैल्यू पे आएंगी, यानी लो फील्ड डाउन फील्ड पे आएंगी। कि अगर मान लीजिए ये हमारा एक्सपेक्टेड पीक है, यानी यहाँ पे आना चाहिए था पीक, लेकिन यहाँ पे पीक ना आकर के उसके डाउन फील्ड पे पीक आएगी, ठीक है। तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकती है कि दोनों ही प्रोटॉन्स का जो ओरिएंटेशन है वो पैरेलल हो। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है कि हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद ये जो प्रोटॉन्स हैं इन प्रोटॉन्स की जो ओरिएंटेशन है, एक की ओरिएंटेशन तो अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड हो गई और दूसरे की अलाइनमेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक तो मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है, यानी इनकी जो ओरिएंटेशन है, एक प्रोटॉन जो है वो जस्ट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन दूसरे प्रोटॉन की जो अलाइनमेंट है वो अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल कर रहे हैं, तो ओवरऑल कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट नहीं होगा, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि सेकेंड टाइम में अब ये वाले प्रोटॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी स्पिन जो है वो चेंज हो गया, यानी कि जस्ट पैरेलल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और दूसरे वाले प्रोटॉन का अपोजिट हो गया, यानी दूसरी कंडीशन क्या बनी कि आपका एक तो अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड हो गया और दूसरा पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स वी हैव टू पॉसिबिलिटीज़, हमारे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे सिर्फ एक था, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हो गई, यानी ये जस्ट डबल हो गई, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़। और दोनों ही केस में क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं तो एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल कर रहे हैं, यानी ओवरऑल जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ड्यू टू प्रोटॉन्स वो कैंसिल हो जाएगा। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई कर रहे हो, आपका जो ये CH3 प्रोटॉन्स हैं, ए सेट प्रोटॉन, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड को फील करेंगे। तो यहाँ पे जो पीक्स आएंगी वो क्या आएंगी, एक्सपेक्टेड जो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू थी वहीं पे आएंगी, बट जो इनकी इंटेंसिटी होगी वो जस्ट डबल होगी किसके, फर्स्ट वाले पीक से, क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी थी बट यहाँ पे हमें टू पॉसिबिलिटीज़ मिल गई। दैट मीन्स द इंटेंसिटी ऑफ दिस पीक इज जस्ट डबल टू द फर्स्ट पीक, तो इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। थर्ड कंडीशन क्या है कि थर्ड कंडीशन में ये दोनों जो प्रोटॉन्स हैं, अब ये दोनों प्रोटॉन्स की ओरिएंटेशन जस्ट अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, यानी ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करें। तो जब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, इसका मतलब क्या है कि ये इस CH3 प्रोटॉन्स को, यानी ए सेट प्रोटॉन्स को शील्ड कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, दैट मीन्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जितना मैग्नेटिक फील्ड आप लगा रहे हो वो जो आपका CH3 प्रोटॉन है उतना मैग्नेटिक फील्ड को फील नहीं कर रहा है, तो ये शील्डेड प्रोटॉन हो गए। और शील्डेड प्रोटॉन की जो पीक्स आती है वो कहाँ पे आती हैं, अप फील्ड पे, यानी एक्सपेक्टेड पीक से थोड़ा सा कहाँ पे आएगी, अप फील्ड की तरफ। लेकिन यहाँ भी पॉसिबिलिटी सिर्फ वन है, तो ये भी सिर्फ जो पीक्स आएंगी वो उनकी प्रोबेबिलिटी वन होगी। तो हमें यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो गई, देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज़, थ्री डिफरेंट वेज ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ रिलेटेड टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और जो इनकी इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, 1:2:1। यानी आपका जो CH3 प्रोटॉन था, यानी ए सेट प्रोटॉन, वो थ्री पीक्स में स्प्लिट कर गया, जिनकी इंटेंसिटी क्या आई, 1:2:1, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमें पीक मिलेगा इनकी वजह से वो हमें इस तरह से मिलेगा, जिनकी इंटेंसिटी होगी 1,
टू वन, यानी वन इज टू टू इज टू वन, यानी ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू पे जो हमें पीक मिली, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है पीक्स की आने की। ठीक है, तो ये तो हो गया किसके लिए, ए टाइप ऑफ प्रोटॉन यानी सी एच थ्री के लिए, यानी सी एच थ्री जो है वो थ्री पीक्स में स्प्लिट कर गया, क्योंकि उसके साथ में जो नेबरिंग प्रोटॉन्स थे वो टू प्रोटॉन्स थे, और ये दो प्रोटॉन्स थ्री डिफरेंट वेज में अपनी ओरिएंटेशन को सेट कर सकते हैं, और थ्री डिफरेंट वे होने की वजह से हमारे पास इनकी जो स्प्लिटिंग हो गई सी एच थ्री की वो थ्री पीक्स में हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं बी टाइप ऑफ प्रोटॉन यानी सी एच टू के लिए, जैसे हमारे ये सी एच थ्री था, सी एच टू और बी आर, तो अब हम देखेंगे इनमें कैसे स्प्लिटिंग होगी और इसमें स्प्लिटिंग कैसे होगी। ये जो हमारे थ्री प्रोटॉन्स हैं ये कपलिंग करेंगे किसके साथ, इन दो प्रोटॉन्स के साथ। तो थ्री प्रोटॉन्स हैं तो थ्री प्रोटॉन्स की जो ओरिएंटेशन है वो, या फिर जो स्पिन कह सकते हो, वो कितने तरह से हो सकती है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं इनके ओरिएंटेशंस को शो करने की। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं, हम इस बी सेट ऑफ प्रोटॉन के लिए बात कर रहे हैं कि बी सेट ऑफ प्रोटॉन में कितनी स्प्लिटिंग होगी, किसकी वजह से, ड्यू टू नेबरिंग प्रोटॉन, इनकी वजह से, क्योंकि ये इनके साथ कपल करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो हमने यहाँ पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाया, इस इथाइल ब्रोमाइड को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, यहाँ से जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो ये जो थ्री प्रोटॉन्स हैं हमारे, इनकी ओरिएंटेशन, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि सभी की ओरिएंटेशन जो है वो जस्ट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, यानी तीनों के तीनों प्रोटॉन्स की जो स्पिन हो वो जस्ट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो जाए। तो जब वो जस्ट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट मीन्स कि ये क्या कर रहे हैं, रीइंफोर्स कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को, यानी मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा, दैट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को फील कर रहा है, तो इसको रेजोनेंस में लाने के लिए उतनी ही ज़्यादा रेडियो फ्रीक्वेंसी की, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी डालनी पड़ेगी, या दूसरे टर्म में देखें तो हमें कम मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन है इस टाइम पे कैसा फील करेगा, डी शील्डेड प्रोटॉन। तो इसकी जो पीक्स आएगी वो एक्सपेक्टेड पीक से डाउन फील्ड की तरफ आएगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्गली रीइंफोर्स कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या सिचुएशन हो सकती है कि हमारे पास ये थ्री प्रोटॉन्स हैं, जिन थ्री प्रोटॉन्स में से दो प्रोटॉन्स तो मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करें, लेकिन एक प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करें, यानी दो प्रोटॉन की जो ओरिएंटेशन है वो जस्ट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन एक प्रोटॉन की अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, एक सिचुएशन ये हो गई, तो दूसरी क्या हो सकती है, अब जैसी इसकी अपोजिट थी, अब सेकेंड टाइम में इसकी अपोजिट हो जाए सेकेंड हर्ट प्रोटॉन की, तो मान लीजिए ये हो गया इस तरह से, सेकेंड प्रोटॉन की ओरिएंटेशन अपोजिट हो गई और थर्ड फिर आपका पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो गया। थर्ड टाइम में क्या होगा कि अब इसकी ओरिएंटेशन अपोजिट हो जाए और इन सब की पैरेलल हो जाए, तो आपका इस तरह से, तो अब नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा कि जब एक प्रोटॉन आपका अपोज करे और दो आपको सपोर्ट करे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि हर बार दो प्रोटॉन्स की जो ओरिएंटेशन है वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है और एक अपोज कर रहा है, यानी कि अभी भी ये क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी एक तो हमने लगाया ही है बाहर से और दूसरा दो प्रोटॉन और जो है, इन तीन में से कोई भी दो प्रोटॉन जो होंगे जिनकी ओरिएंटेशन जस्ट पैरेलल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी, दैट मीन्स कि ये भी मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे, बट उतना नहीं जितना यहाँ पे हो रहा था, दैट मीन्स को हम कह सकते हैं वीकली रीइंफोर्स्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो वीकली रीइंफोर्स कर रहे हैं, यानी अभी भी वो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं, तो अभी भी जो आपका सी एच टू प्रोटॉन है वो डी शील्डेड प्रोटॉन की तरह बिहेव करेगा, यानी इनकी जो पीक्स आएंगी वो एक्सपेक्टेड से थोड़ी सी पहले आएंगी, मतलब कि डाउन फील्ड की तरफ आएंगी। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है, 1, 2, 3, यानी देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज फॉर द ओरिएंटेशन, तो यहाँ इनकी थ्री पॉसिबिलिटी है, जबकि यहाँ पे देखा तीनों के तीनों जो है वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, यानी यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, अब क्या होगा
कि ये जो हमारे 3 प्रोटॉन्स हैं, इन प्रोटॉन्स में से 2 प्रोटॉन्स की ओरिएंटेशन तो जस्ट अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड हो, बट एक आपका सपोर्ट करे, यानी एक पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो। तो हमारा क्या बन गया, 2 अपोज कर रहे हैं, एक सपोर्ट कर रहा है। तो इसी तरह से हमारे पास 3 प्रोटॉन है तो 3 सिचुएशंस बन जाएंगी, जिसमें आपका क्या होगा कि 2 अपोज करेंगे, एक आपका सपोर्ट करेगा। फिर एक सपोर्ट कर रहा है, 2 आपके अपोज कर रहे हैं, तो हमारे पास 3 कंडीशंस बन गई। एक बार इसने सपोर्ट किया, एक बार इसने सपोर्ट किया, और एक बार इसने सपोर्ट किया, तो 3 times 3 सिचुएशंस बन गई। तो यहाँ भी हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज आ गई। बट अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक प्रोटॉन सिर्फ सपोर्ट कर रहा है लेकिन 2 अपोज कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को, इसका मतलब क्या है कि ये इसको शील्ड कर रहे हैं, स्लाइटली शील्ड कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वीकली अपोजिंग, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं वीकली अपोजिंग, मतलब अपोज तो कर रहे हैं लेकिन वीकली अपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीक्स आएंगी वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से थोड़ी सी आपकी कहाँ पे आएंगी, अप फील्ड की तरफ, यानी कि राइट साइड की तरफ, शील्डेड प्रोटॉन की तरफ, ठीक है। अब फोर्थ कंडीशन क्या हो, कि फोर्थ में ये तीनों के तीनों प्रोटॉन्स की जो ओरिएंटेशन हो वो जस्ट अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड हो जाए। पहले क्या थी, सपोर्ट में थी, अब तीनों के तीनों अपोज में आ जाए, तो ये क्या हो गया, स्ट्रांगली अपोजिंग, यानी स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं, यानी इस CH2 को स्ट्रांगली शील्ड कर रहे हैं। तो जब ये स्ट्रांगली इसको शील्ड करेंगे, इसका मतलब कि ये कम मैग्नेटिक फील्ड को फील कर रहा है जितना करना चाहिए था, क्योंकि इन तीनों ने अपोज कर दिया, इसके ऊपर एक प्रोटेक्शन डाल दिया, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शील्डिंग कर रहे हैं, इस वजह से ये जितना मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया वो उससे कम मैग्नेटिक फील्ड को फील कर रहा है। दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, हमारा शील्डेड प्रोटॉन हो गया, शील्ड हो गया। तो शील्डेड होने की वजह से अब इसकी जो पीक आएगी वो थोड़ा सा आपका अप फील्ड की तरफ आएंगी, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि ये सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी बनी, एक ये पॉसिबिलिटी, फिर हमारी बनी 3 पॉसिबिलिटी, फिर 3 और फिर 1। तो हमारे पास कितने पीक्स में स्प्लिट कर गया, ये 4 पीक्स में स्प्लिट कर गया, यानी जो हमारा CH2 प्रोटॉन था, ये जो प्रोटॉन है बी सेट प्रोटॉन, ये क्वार्टरेट में 4 पीक्स में स्प्लिट कर गया। और अगर हम देखें तो कैसे स्प्लिट करेगा, एक तो इस तरह से 1, देन 2nd, 3rd एंड 4th, और जो इनकी इंटेंसिटी होगी, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, इसके पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ भी 3 पॉसिबिलिटीज है और यहाँ 1 पॉसिबिलिटी है। दैट मीन्स कि वी हैव 4 पीक्स ड्यू टू नेबरिंग प्रोटॉन्स, CH3 प्रोटॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से क्वार्टरेट मिलेगा, क्वार्टरेट मिलेगा, ठीक है। किसके लिए, बी सेट प्रोटॉन के लिए, बी सेट प्रोटॉन के लिए, ठीक है। तो अब हम अगर फाइनल ग्राफ बनाएं इथाइल ब्रोमाइड का CH3 CH2 BR के लिए, तो ये हमारा TMS है, ये आपका अप फील्ड है, ये हमारा डाउन फील्ड है, और ये हमारा जो है ये A सेट प्रोटॉन है और ये B सेट प्रोटॉन है, ठीक है। तो आप देखो कि A सेट प्रोटॉन जो है वो शील्डेड है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली ब्रोमीन से नहीं अटैच्ड है। तो A सेट के लिए हमारे पास कितनी स्प्लिटिंग हुई थी, ट्रिपलेट, A सेट के लिए हमारे पास कितनी स्प्लिटिंग हुई थी ट्रिपलेट के फॉर्म में, ये A टाइप प्रोटॉन के लिए बात किया था। तो इन जो आपका CH3 है यानी A टाइप के प्रोटॉन, क्योंकि ये शील्डेड है तो इनकी पीक्स कहाँ पे आएंगी, स्लाइटली आपके अप फील्ड पे, ठीक है, इस तरह से। और CH2 क्योंकि ये डी शील्डेड प्रोटॉन है, क्योंकि वो डायरेक्टली ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है तो ये डी शील्डेड हो गए, तो इनकी जो पीक्स आएंगी वो कहाँ पे आएंगी, डाउन फील्ड की तरफ। और CH2 कितने पीक्स में स्प्लिट हुआ, 4 पीक्स में, यानी इसकी क्या मिलेंगी हमें, क्वार्टरेट्स, इस तरह से। तो ये बन गया, ये इस तरह से हमें
पीक्स मिलेंगी। ये किसकी वजह से मिली, जो ट्रिपलेट है वो किसकी वजह से मिली है, ए सेट प्रोटॉन यानी CH3 के लिए, और ये जो क्वार्टरेट मिला हमें वो CH2 के लिए। ठीक है, तो जो नेबरिंग प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके एडजेसेंट कार्बन पे जो भी प्रोटॉन है उनके साथ कपलिंग करके उनको स्प्लिट कर देते हैं, और जो स्प्लिटिंग होती है वो N+1 रूल के अकॉर्डिंग होती है, यानी नेबरिंग प्रोटॉन पे अगर 3 प्रोटॉन है तो +1 होके वो 4 में स्प्लिट कर जाएगा, यानी नेबरिंग प्रोटॉन 4 में। जैसे देखें यहाँ पे CH3 था, तो ये इसने CH2 को कितने में स्प्लिट कर दिया, 3 प्रोटॉन है तो इसने इसको क्वार्टरेट में स्प्लिट कर दिया। इसके पास 2 प्रोटॉन थे तो इसने अपने नेबरिंग प्रोटॉन को कितने में स्प्लिट कर दिया, 2+1 ट्रिपलेट में। ठीक है, तो ये तो N+1 रूल के अकॉर्डिंग हमने इजीली डिफाइन कर दिया, बट इसके पीछे की केमिस्ट्री ये है कि जो आपका प्रोटॉन है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, बट डिपेंड्स कि उनकी ओरिएंटेशन की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, कितने टाइप से वो अपनी ओरिएंटेशन को सेट कर सकते हैं। तो जितने टाइप से वो अपनी ओरिएंटेशन को सेट कर पाएंगे उतने नंबर ऑफ पीक्स जो है वो स्प्लिट कर जाएंगे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल हम फटाफट देख लेते हैं, जैसे है हमारा ClCH2CHCl होल टॉइस, दैट मींस कि ये क्या है, अभी हमने देखा था 1-1-1-1-2 ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, इसमें भी हमारे पास दो सेट ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ए और बी। ठीक है, अगर हम बात करें बी प्रोटॉन के लिए, तो यहाँ पे अब इस सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं स्प्लिटिंग बाय प्रोटॉन बी। प्रोटॉन बी का मतलब क्या है कि इस प्रोटॉन की वजह से ए सेट में कितनी स्प्लिटिंग होगी, यानी CH2 में कितनी स्प्लिटिंग होगी। तो सिंपल, अब देखो यहाँ पे एक प्रोटॉन है तो इसको मैंने इस तरह से ओपन फॉर्म में लिख दिया और इनको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया जिसका डायरेक्शन ये है। तो इस प्रोटॉन का कितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक बार इसकी ओरिएंटेशन विद द मैग्नेटिक फील्ड होगी और दूसरी बार क्या हो सकती है, अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो एक बार विद द मैग्नेटिक फील्ड, यानी अगर ये हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह है तो एक बार तो ये दोनों पैरेलल हो गए, ठीक है, और जब पैरेलल होंगे तो इसकी एनर्जी कम होगी, ये नीचे आ जाएगा, और दूसरी बार ये एक दूसरे को अपोज करें तो दूसरी बार ओरिएंटेशन ये, यानी एक पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। तो दैट मीन्स कि ये हाइड्रोजन क्या करेगा, CH2 वाले प्रोटॉन को डुप्लेट में यानी दो पीक्स में स्प्लिट कर देगा, और जिसकी इंटेंसिटी क्या होगी, 1:1, क्योंकि एक एक पॉसिबिलिटी दोनों की है तो ये डुप्लेट में स्प्लिट कर देगा। सेकेंडली स्प्लिटिंग बाय प्रोटॉन ए, यानी ए प्रोटॉन की वजह से बी प्रोटॉन में कितनी स्प्लिटिंग होगी। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो प्रोटॉन्स हैं, तो दो प्रोटॉन्स हैं और इनको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा कि ये दोनों प्रोटॉन्स की ओरिएंटेशन, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं ओरिएंटेशन की, एक बार दोनों प्रोटॉन की ओरिएंटेशन जस्ट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि एक बार एक प्रोटॉन तो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा प्रोटॉन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, फिर अपोजिट हो जाए, जो पहले पैरेलल में था अब वो अपोजिट हो जाए और जो पहले अपोजिट था वो पैरेलल हो जाए, यानी कि एक बार ये सपोर्ट कर रहा है दूसरी बार अपोज कर रहा है, ये अपोज कर रहा था तो अब दूसरी बार ये सपोर्ट कर रहा है, तो वी हैव टू पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो गई। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि तीनों के मतलब दोनों के दोनों प्रोटॉन जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करें, एक बार दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, एक बार दोनों अपोज कर रहे हैं और एक बार एक दूसरे के अपोजिट, तो यहाँ पे भी 1 पॉसिबिलिटी, यानी कि 1:2:1 इंटेंसिटी की पीक्स में स्प्लिटिंग हो जाएगी और हमें क्या मिलेगा, ट्रिपलेट मिलेगा। ठीक है, 1:2:1 यानी मैक्सिमम जो इंटेंसिटी मिलेगी, मैक्सिमम जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो सेकंड वाले की होगी, यानी यहाँ पे, तो ये ट्रिपलेट में स्प्लिट कर जाएगा। अब हम बात करते हैं फाइनल पीक्स कैसे मिलेगा, तो देखो यहाँ पे Cl2 है, यानी कि बी सेट प्रोटॉन के साथ दो क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं, यानी कि यहाँ पे डी शील्डिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जो बी सेट के प्रोटॉन्स हैं, जिनमें बी सेट प्रोटॉन में क्या हो रहा है, हमारा ट्रिपलेट बन रहा है, ये बी सेट प्रोटॉन की में हुआ है CH प्रोटॉन में स्प्लिटिंग हुई है। ठीक है, तो इनकी पीक्स मिलेंगी हमें यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये डी शील्डेड है, दो क्लोरीन एटम से जुड़े हुए हैं। दूसरा ये जो CH2 है, CH2 के साथ सिर्फ एक ही क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो ये स्लाइटली कम डी शील्डेड होगा, तो इनकी पीक्स जो होंगी वो थोड़ा सा
अब फील्ड की तरफ आएंगी और इनकी पीक्स हमें क्या मिली थी, डुप्लेट, तो यहाँ पे हमें सेम इंटेंसिटी की डुप्लेट्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये जो हमें डुप्लेट मिला वो किसकी वजह से मिला, यहाँ पे जो डुप्लेट मिला है वो किसकी वजह से मिला, स्प्लिटिंग बाय द प्रोटॉन बी, यानी कि प्रोटॉन बी की वजह से स्प्लिटिंग हुई, तो ये हमें मिला है CH2 प्रोटॉन की स्प्लिटिंग है और ये CH प्रोटॉन की स्प्लिटिंग है। ठीक है, तो N+1 रूल से भी चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्रोटॉन है CH में, तो 1+1 2, तो ये डुप्लेट में स्प्लिट कर गया। अब ये इसके पास दो प्रोटॉन है तो ये इसे कितने में स्प्लिट करेगा, 2+1 3, ट्रिपलेट में स्प्लिट करेगा। तो N+1 रूल से भी हम चेक कर सकते हैं और हमारी जो केमिस्ट्री इसके पीछे की जो थ्योरी है वो हमें समझ में आई गई कि कैसे स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट नोट है कि हमने स्प्लिटिंग तो देख लिया कि कैसे होता है, लेकिन अगर हमारे पास दो सिचुएशंस हैं, पहली सिचुएशन ये है कि अगर सारे प्रोटॉन्स मॉलिक्यूल में इक्विवेलेंट हैं यानी सेम एनवायरनमेंट में हैं तो उनकी कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, हमें सिंपल सिंगलेट मिलेगा। जैसे बेंजीन, बेंजीन में जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं इन सब का सेम एनवायरनमेंट होता है तो इसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, हमको एक सिंगल पीक मिलेगा। इसी तरह से साइक्लोब्यूटेन, इनमें भी जो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं इन सभी का जो एनवायरनमेंट होता है वो बिल्कुल सेम होता है, तो इसकी वजह से भी हमें एक सिंगल पीक मिलेगा, इसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी। केस क्या है, अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन डू नॉट हैव अनदर सेट ऑफ प्रोटॉन्स अटैच्ड विद द एडजेसेंट कार्बन एटम, अ सिंगलेट अपीयर। मतलब कि जैसे मान लीजिए हम इसकी बात करें, ये जो CH3 है यहाँ पे हमें इसकी वजह से सिर्फ सिंगलेट मिलेगा, क्यों, क्योंकि इसके जो नेबरिंग कार्बन पे कोई प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है, तो जब नेबरिंग कार्बन पे कोई प्रोटॉन प्रेजेंट ही नहीं है तो वो किसी टाइप की कपलिंग शो नहीं करेगा, जब वो कपलिंग शो नहीं करेगा तो इस CH3 में कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, यानी ये जो ए सेट हमारा CH3 है इसकी हमें सिंपल एक सिंगलेट मिलेगा और इनमें इफेक्ट पड़ेगा एक दूसरे का, क्योंकि ये अपने नेबरिंग प्रोटॉन को स्प्लिट कर देंगे। जैसे यहाँ पे 3 प्रोटॉन है तो 3+1 4, यानी जो CH2 है वो क्वाड्रेट में स्प्लिट कर जाएगा, और यहाँ पे 2 प्रोटॉन है तो 2+1, ये जो हमारा CH3 है वो ट्रिपलेट में स्प्लिट कर जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हमें तीन तरह की पीक्स मिलेंगी, एक सिंगलेट, एक क्वाड्रेट और एक ट्रिपलेट। ट्रिपलेट किसकी वजह से मिला, ये CH3 ट्रिपलेट में गया, CH2 क्वाड्रेट में गया और ये CH3 की हमें सिंगलेट पीक मिली। अगर इसको देखो, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड CHH, इसको मैंने ओपन करके लिख दिया। अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो प्रोटॉन्स हैं, ये जो सेम टाइप ए टाइप के प्रोटॉन हैं, इनके नेबरिंग कार्बन पे यहाँ पे कोई प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें सिंगलेट मिलेगा। इस दोनों प्रोटॉन की बात करें, ये हमारे बी टाइप के प्रोटॉन हैं क्योंकि सेम केमिकल एनवायरनमेंट में हैं, इनके लिए बात करें तो इनके नेबरिंग कार्बन पे कितने प्रोटॉन प्रेजेंट, इनके नेबरिंग कार्बन पे कोई प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है तो इनकी भी हमें सिंगलेट मिलेगी। तो हमें यहाँ पे दो पीक्स मिलेंगे दो सिंगलेट की फॉर्म में, क्यों, क्योंकि इनके नेबरिंग कार्बन पे कोई प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं था तो इनमें कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इस लेक्चर में स्प्लिटिंग ऑफ द सिग्नल समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर जो स्प्लिटिंग है कार्बन के दोनों साइड डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में हमारे प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं तो उस केस में स्प्लिटिंग कैसे होगी, तो इसके सेकंड पार्ट में हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की स्प्लिटिंग को डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।